सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं जयपुर, और जयपुर के लिए हमने रूट लिया है आपका वही दिल्ली मुंबई वाला जो नया रूट बना है। आज मैं आपको पूरा रूट दिखाऊंगा कैसे कैसे है। और अभी हम हैं सोना वाले रोड पे, मतलब बेसिकली जो सोना से कनेक्ट हो रहा है ना वो रोड अभी बाकी बन रहा है। अभी वहाँ पे DND से कनेक्ट होगा डायरेक्ट जो दिल्ली में होगा। और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग क्या, मैं अकेला ही जा रहा हूँ यार। बेसिकली यहाँ से मैं अभी हूँ इस टाइम पे सोना वाले रोड पे, ये देखो। और यहाँ पे स्पीड लिमिट है 100 की, ये 100 की स्पीड लिमिट है, मैं जो कि चल रहा हूँ 80 पे, ये देखो। काफ़ी शानदार है और यहाँ पे 100 की लिमिट है, आप 100 तक आराम से गाड़ी चला सकते हो और काफ़ी सही चलती है यहाँ पे गाड़ी। बहुत ही बढ़िया रोड है, कोई दिक्कत नहीं है इस रोड के अंदर। और यहीं से कनेक्ट होता है आपका मुंबई वाला रोड भी। काफ़ी दिन बाद मैं आज व्लॉग डाल रहा हूँ, मैं करूँगा यार कंटिन्यूटी ना अपनी, थोड़ी सी जाऊँगा अभी घूमने, फिर बनाएंगे अपन व्लॉग यार। और अब हम जब टोल आएगा, यहाँ से पहले सोना वाला टोल आएगा वो अराउंड 75 रुपीज़ का उसका टोल है, फिर उसके बाद हम चढ़ते हैं अपना मुंबई वाले एक्सप्रेस वे पे जो दौसा पे उतरता है, वहाँ तक का टोल 395 है। तो हाँ, वहाँ से थोड़ा एक्सपेंसिव है दो, बट ठीक है यार, मतलब आपका टाइम भी बचता है, इससे फ़र्क आ जाता है, कम से कम डेढ़ घंटे का फ़र्क आता है, प्लस अच्छी खासी स्पीड लिमिट है, तो बढ़िया रहता है। मतलब ये रूट ना अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी जब उस पर भी चढ़ूंगा। ये तो अभी हम सोना वाले पे ही आ रहा है, अलवर 129। यहाँ से बेसिकली बोट जाने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये गुड़गांव जब हम पार करते हैं एम्बियंस मॉल वगैरह, वहाँ से एग्जिट 10 लेना होता है हमको, जो अभी ये रूट खुला हुआ है। और ये अभी दौसा तक ही मेरे ख्याल से खुला हुआ है जहाँ तक मेरे को पता है, क्योंकि मैं 3-4 बार ऑलरेडी जा चुका हूँ, बट आज मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखाऊँ। ऑलरेडी यहाँ इसके लिए काफ़ी सारी वीडियोज़ आ चुकी हैं, बट स्टिल मैं बना रहा हूँ यार, ठीक है, देखना है आपको दिखाने के लिए। चलो अब टोल आएगा, फिर आपको मैं बताता हूँ कितने आ गया टोल। ये टोल आ चुका है, और ये देखो ये सोना वाला है, मतलब जो आपने ये रोड जो यूज़ करा जिस पे अपनी 100 की स्पीड लिमिट थी, ये उसके लिए टोल है। फिर उसके बाद अभी आप उस पर चढ़ोगे फिर अलग टोल है। तो हाँ ये टोल है, और मैं गलत बोल रहा था, ये 125 है ना कि 75। 125 का ये और 395 का मुंबई वाला है, वो तो मुझे अच्छे से याद है, बट वही है कि हाँ टाइम आपका काफी ज्यादा बच जाता है। बढ़िया, और सारा ट्रैफिक यहीं पे आ गया है, मतलब उधर की तरफ से तो बहुत ही कम लोग जा रहे हैं जो उधर के हैं। ये अपना टोल हो गया, चलो अब हम चढ़ जाएंगे आपके, यहाँ से हम जाएंगे अभी लगभग है अभी 4 किलोमीटर है यहाँ से, और फिर उसके बाद हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाएंगे। और बहुत ही शानदार रोड, बहुत ही शानदार, काफ़ी खुला बड़ा रोड है, मतलब आप आपकी गाड़ी में कितनी स्ट्रेंथ है ना, मतलब वो आप स्ट्रेंथ नहीं, मतलब दिस इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, बट आप कितना उसको चला सकते हो ना गाड़ी के अंदर, कितनी वो है यार, क्या बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बहुत ही बढ़िया रोड है, ये आ गया। अब हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे, ये देखो अब हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे, बहुत ही बढ़िया रोड है, ये चढ़ गया। मतलब 90% गाड़ियाँ जो इस रोड पे आ रही हैं ना वो सब इसी के लिए ही आ रही हैं, और इस पे मोटरसाइकिल्स और वो सब, मोटरसाइकिल्स ट्रैक्टर और ये सब तो बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं है, ये देखो, क्योंकि यहीं पे मोटरसाइकिल वगैरह को रोक देंगे, ना ऑटो अलाउड है, ना ट्रैक्टर्स अलाउड हैं, कुछ भी अलाउड नहीं है यहाँ पे। ये हम चढ़ गए, और अब यहाँ पे पेट्रोल पंप्स वगैरह भी अभी यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे नीचे है ये भी, और आपको ना खाने का कुछ भी अभी प्रॉपर नहीं खुला, जैसे अपने जो जयपुर हाईवे है जो पुराने वाला, उस पर तो बहुत कुछ है खाने का, बट इस पर नहीं है। ये देखो हम चढ़ गए, ये देखो क्या रोड है यार, क्या रोड बनाया, मतलब आप इस पे कितनी ही चला लो गाड़ी, कितनी ही चला लो, बहुत ही बढ़िया रोड। और अब हम यहाँ पे अपना क्रूज सेट कर रहे हैं 120 पे, ये अपना क्रूज सेट हो रहा है 120 पे, अभी है 102 पे, अभी 94
अभी अपन क्रूज सेट कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया रोड है यार, मजा आ जाता है। मतलब ये देखो ये ब्लर है अभी यार, अब मैं ड्राइव, ये अपन आ गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। बहुत ही बढ़िया रोड, बहुत ही बढ़िया रोड। अपन चलेंगे यहाँ पे 120 क्रूज पे और हम फिर उतरेंगे 180 किलोमीटर के बाद। 180 किलोमीटर तक आप सोचो यही रोड है, और कितना ही बढ़िया रोड है यार। मतलब जितनी इसकी तारीफ कर लो ना, बट मतलब बोर भी हो जाते हैं इस रोड पे ना। जैसे मुंबई है, मुंबई इज 1224, तो इस रोड पे और ऐसे आप चलते रहो 120 पे, ना कुछ आपके आगे कुछ आना, ना कुछ गाड़ियां वाड़ियां, कुछ भी नहीं, तो थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। बट फिर भी यार टाइम काफी बच रहा है। जैसे मुंबई जाने में टाइम लगता है 24 आवर्स लगते हैं अगर आप नॉर्मल वाला रूट लेते हो, उदयपुर से होते हुए जाते हो। बट अगर आप इससे जाओगे तो आपका कुछ भी टाइम, मतलब ऑलमोस्ट सीधा 12 घंटे कट होते हैं। बट ऑब्वियसली रेगुलर ड्राइव करोगे तो, और रेगुलर ड्राइव करना इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अभी यहाँ पे होटल्स वगैरह भी बन रहे हैं, खाने पीने का भी बढ़िया बन रहा है, काफ़ी बढ़िया। मतलब अच्छा रोड बनाया है यार। और जयपुर का भी एक रोड और बन रहा है सुपर एक्सप्रेस वे करके, वो वही अपने पुराने रूट के साथ साथ चलेगा। काफ़ी बढ़िया, मतलब जयपुर की तरफ रोड्स काफ़ी बढ़िया होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और ये तो सीधा मुंबई जा रहा है, तो और ही बढ़िया है। चलो मैं आपको रोड दिखाता हूँ। और दोनों ही तरफ एक दो तीन चार दोनों ही तरफ चार लेन है, तो ये पूरा 8 लेन का, और ये एक्सपेंडेबल है 12 लेन तक का। मतलब इसके साइड में भी काफ़ी जगह छोड़ी हुई है जो कि आप 12 लेन तक कर सकते हो। और आप देख सकते हो 120 के स्पीड लिमिट का अभी बोर्ड गया है यार। गाड़ी लाओ यहाँ पे, उड़ाओ, चलाओ नहीं उड़ाओ। काफ़ी बढ़िया रोड है यार। वो दिख रहा टोल बहुत दूर, अगर आपको दिख पा रहा हो तो, ऑरेंज कलर का अभी टोल आने वाला है। और वहाँ पे अगर रेट लिखे होंगे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो 395 है, आई एम 100% श्योर, क्योंकि मेरा यहाँ पे हादसा हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा फास्ट टैग उन्होंने खुद से ही बोल दिया कि ये रीड नहीं हो रहा। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने बोला कि आप चले जाओ, वो मेरा उसने बैरिकेड खोल दिया था। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे से वो चार्ज कर रहा था, 700 समथिंग उसने मेरे से चार्ज करा था। तब मैंने पूछा कि यहाँ से, मतलब अपन सोना से चढ़े हैं और दौसा तक के इतने पैसे, 700 कुछ रुपए का टोल, तो बोला नहीं आपने कैश पे करा इसलिए डबल देना पड़ेगा। मैंने कहा मैंने क्यों कैश पे करा जब मेरा तो ऑलरेडी सब कुछ सही है, तू अपने पास चेक कर। तो भाई ये स्कैम्स भी चल रहे हैं आजकल टोल्स पे, अगर आप ध्यान ना दो ना तो आपके उससे भी कट जाएगा, टोल से भी और फास्टैग से भी, और आपसे कैश भी ले लेंगे, और वो कैश सीधा सीधा उनकी जेब में जाता है जो वहाँ पे अटेंडेंट बैठा होता है। तो आप इससे भी थोड़ा बीवेयर रहिए, क्योंकि ये लोग तो सही बनाने में बढ़िया हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा स्कैम चल रहा है यूट्यूब पे, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, बट ये मेरे साथ खुद हुआ है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये आ गया अपना टोल, हो गया। चलो अपन वही फिर से पकड़ेंगे अपना 120 का क्रूज, रीसेट, और ये अपनी स्पीड होने बढ़ गई होगी शुरू।
बहुत ही मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो, ये दिखा भाई। और ये देखो रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको, आप समझ जाओ ये क्या है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, काफ़ी बढ़िया। चलो अब निकलते हैं आगे, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ब्रेक लगाया था यार, बहुत थक गया था बैठे 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 बैठे। और अपन 102 किलोमीटर आ चुके हैं इस पर। ऐसे साइड में वो चल रहे होते हैं छोटे छोटे बोर्ड्स लगे हुए हैं, हर एक किलोमीटर पे आते हैं। बढ़िया, चलो जी चलते चलते हमें इस रोड पे, अब सनसेट भी हो गया, काफ़ी देर हो चुकी है। हम इस पे चढ़ गए थे लगभग 4:30 बजे करीब, इस रोड पे चढ़ गए थे, सनसेट हो चुका है, देख रहे हो। पर आज एक बहुत वैसी चीज़ हुई कि काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स देखने को मिले, मतलब गाड़ियाँ लिटरली ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म गाड़ियाँ, नहीं ख़त्म गाड़ियाँ भाई। और बहुत बोरिंग हो जाता है ना एक्चुअली, क्या है कि बैठे रहो। क्रूज सेट है मेरा भी, कब से मैं बैठा हुआ हूँ, पैर वेर आराम से करके क्रूज सेट कर रखा है अपना, गाड़ी चल रही है, बहुत बोरिंग हो जाता है। तो मेरे को लगता है या तो सो गए होंगे, नींद लग गई है, कुछ भी है। बट आपको इस पर अगर रोड पर चलना है ना, तो बहुत आपको अटेंटिव होकर चलना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब बोरिंग हो जाता है चलते चलते ना। बट बहुत ही गंदे एक्सीडेंट्स थे। एक तो साइड में इसके अंदर जो आप देख रहे हो, ये इसके अंदर घुसी हुई थी गाड़ी, और एक उधर साइड थी फुटपाथ, ये जो भी है अपने रेलिंग वगैरह इसके पास थी, यहाँ पे घुसी हुई थी गाड़ी, एक तो इसके अंदर और एक वहाँ पे, और एक ट्रक भी पलटा हुआ था, मतलब काफ़ी वो हो जाता है। और अब हमारा रह गया जयपुर 84 रह गया जयपुर, और ये रोड रह गई है ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर की और है। फिर उसके बाद हम दौसा पे उतर गए, फिर हम जाएंगे अपना जयपुर, जो दौसा से जो वो हाईवे है वो कनेक्ट होता है, आगरा से जयपुर का वाला हाईवे वो कनेक्ट होता है, उतरते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अब हमारा बचा सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर का, अब हमें ये आ गया बोर्ड, यहाँ से हमें उतरना है जयपुर के लिए नीचे, देख रहे हो आप, यहाँ से हमें उतरना है नीचे जयपुर के लिए। भाई बहुत बोरिंग है, लेकिन अकेले तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। ये उतर रहा है आगरा के लिए, इसमें नहीं जाना है हमें, दिस इज़ फॉर आगरा, ये आगरा चला गया नीचे, हमें इसमें नहीं जाना, हम जाएंगे जयपुर। ये आ गया बोर्ड जयपुर का, ये रहा नीचे रोड, अगर आपको दिख पा रहा है तो, ट्रक जा रहे हैं। चलो जी फाइनली ये हाईवे ख़त्म, 200 किलोमीटर का हाईवे है, 200 किलोमीटर्स। अब हम यहाँ से अपना एग्जिट लेंगे जयपुर के लिए, वहाँ पे टोल पे आएंगे नीचे, वो दिख रहे हैं टोल। चलो ये हम आ गए जयपुर एग्जिट, 60 किलोमीटर रोड पर उतरने के लिए। अब हम कनेक्ट हो जाएंगे आगरा जयपुर हाईवे पे, और ये जगह है ये दौसा, दौसा का भी आउटर है बेसिकली, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं तो दौसा आएगा। अब हमारा यहाँ पे टोल कटेगा, और लास्ट टाइम क्या हुआ था मैं कंटिन्यू करता हूँ, हाँ उस टाइम पे रह गया था, उन्होंने मेरे से चार्ज करे थे 790 रुपीज़, मतलब मैंने उनको 1000 रुपये दिए, 790 काट के दिए उन्होंने मेरे को। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि इतने से देर का तुमने इतना चार्ज कैसे कर लिया, इतना क्या महंगा हो गया भाई टोल। फिर उसके बाद वो बोला कि आपने कैश पे करा है, मैंने कहा भाई मैंने नहीं करा, तुमने मेरे से लिया है। फिर वो मेरे से बहसबाजी कर रहा था, फिर उसके बाद अपन ने मैनेजर को बुलाया, एक सेकंड,
फास्टैग रीड होने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। फाइनली हमारा फास्टैग हो गया। अभी भी पता नहीं क्या फास्टैग में कुछ इशू आ रहा है कि वो रीड नहीं होता जल्दी। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे से चेसिस नंबर लिया है, उसके बाद पूरा डाला है, फिर वैलिड हुआ है। ऊपर हो रहा हाईवे वो देखो, और अब ये आ गया अपना अपना क्या मतलब आगरा जयपुर हाईवे। अभी जो पीछे से गाड़ी आ रही है सब आगरा से आ रही हैं। ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है रोड एकदम से आप ऊपर से आते हो ना, तो यहाँ का मेन टाइम लगता है। अगर आप ऊपर ऊपर का सीधा जयपुर से जोड़ते हैं ना तो जयपुर और कम हो जाता टाइम, बट अभी भी सही है। और थोड़ा सा दिल्ली से हो जाएगा ना, अभी गुड़गांव जाना पड़ता है, फिर गुड़गांव से एग्जिट 10 लो, तो इसीलिए अभी मेरे को यहाँ से एक घंटा और लगेगा जयपुर, क्योंकि यहाँ से जयपुर है 70 किलोमीटर्स पूरा नेट 70 है, तो एक घंटा मुझे यहाँ से अभी और लगेगा। चलो ठीक है, फिर आई होप आपको अच्छा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आगे और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं यार। वीडियो को ज़रूर लाइक करना और प्लीज़ शेयर करना अगर आपको ये कुछ थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और हाँ, बिल्कुल भी मत भूलना कि आपको टैग और टोल पे स्कैम चल रहे हैं आजकल अच्छे खासे, तो अगर आप रोड पे जाते हो तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। क्राइम पेट्रोल, पीस आउट, बाय।